अमेठी पुलिस ने 13 वर्षीय गुमशुदा बालक को सकुशल किया बरामद, परिजनों को किया सुपुर्द। थाना जगदीश पुर जनपद अमेठी में दर्ज मुकदमा संख्या 340/21 धारा 363 भादवी में गुमशुदा श्रेयांश उर्फ पीयूष तिवारी पुत्र विश्वनाथ तिवारी निवासी दिछौली थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी उम्र 13 वर्ष की तलाश पता रशी हेतु पुलिस अधीक्षक अमेठी दिनेश सिंह के निर्देशन में कई पुलिस टीम बरामदगी हेतु लगाई गई तथा प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ली जा रही थी। लगाई गई पुलिस टीम के अथक प्रयास से दिनांक 14/10/2021 को गुमशुदा श्रेयांश उर्फ पीयूष तिवारी को लुधियाना पंजाब ने सकुशल बरामद किया। गुमशुदा श्रेयांश उर्फ पीयूष तिवारी दिनांक 17/9/2021 को घर से नाराज होकर बिना किसी को बताए मोटरसाइकिल से लिफ्ट लेकर निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचकर बेगमपुरा एक्सप्रेस से दिव्यांग कंपार्टमेंट में बैठकर लखनऊ पहुंचा। उसी डिब्बे में जयशंकर पुत्र रामराज निवासी ग्राम बाकी थाना मानसी जिला सोनभद्र उम्र 16 वर्ष नाम का लड़का मौजूद था जो लुधियाना जा रहा था, जिसे गुमशुदा ने बताया कि मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई है, मुझे कोई सहारा नहीं दे रहा। इस पर दया खाकर जयशंकर उपरोक्त गुमशुदा को मानवता के कारण अपने साथ लुधियाना पंजाब जाने के लिए राजी हो गया। दोनों लुधियाना पंजाब चले गए जहाँ पर जयशंकर फैक्ट्री में काम करके गुमशुदा को रहने खाने की व्यवस्था किया। एक अज्ञात मोबाइल नंबर से गुमशुदा श्रेयांश और पीयूष तिवारी के घर पर कॉल आने पर उस पर शक हुआ तथा परिजनों के द्वारा बताए जाने पर उक्त नंबर का सर्विस लांस के माध्यम से लोकेशन प्राप्त कर लुधियाना पंजाब से गुमशुदा की बरामदगी करने में सफलता प्राप्त हुई। जयशंकर उपरोक्त कामधेनु स्पिनिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड कोहाड़ा रोड लखवाल थाना कोमकला लुधियाना पंजाब में काम करता था। उसी फैक्ट्री में आवास में ही लड़के को रखा था जहां से पुलिस द्वारा श्रेयांश और पीयूष तिवारी को सकुशल बरामद किया। बच्चे के परिजनों को थाने बुलाकर सकुशल सुपुर्द किया गया। व्यापार मंडल दुर्गा पूजा समेत जगदीशपुर बच्चे के परिवारजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय व अन्य पुलिस टीम को सम्मानित किया गया तथा पुलिस को धन्यवाद दिया। आदित्य बर्नवाल की खास रिपोर्ट। हमारे जगदीशपुर के दिछौली गांव से एक बालक श्री विश्वनाथ तिवारी जी का पुत्र, जिसकी उम्र उस समय 13 वर्ष थी, ये 17/9/2021 से गुमशुदा हो गया था। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हमने अभियोग पंजीकृत हुआ किया, चूँकि बालक नाबालिग था, इसमें हमने तत्काल बड़ी त्वरित गति से टीमें गठित करी DCRB के माध्यम से और अन्य जनपदों में तलाश गश्ती कराई। आज बच्चे को हमने 14/10 को आज सकुशल बरामद कर लिया है। बातचीत से पता चला कि बच्चा कतिपय कारणों से घर से निकला और निहालगढ़ रेलवे स्टेशन से बेगमपुरा एक्सप्रेस में बैठ करके बेगमपुरा एक्सप्रेस के दिव्यांग कंपार्टमेंट में बैठ कर चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात कंपार्टमेंट में ही एक जयशंकर नाम के सोनभद्र के व्यक्ति से हुई। उसको इसने थोड़ा झूठ बताया कि मेरे माता पिता जी नहीं हैं और मैं सहारे की तलाश में हूँ। उसने उसको करुणापूर्वक अपने साथ रखा और अब तक इस घटनाक्रम में किसी अपराध का होने नहीं पाया गया है। जैसे ही और इसमें हम लगातार सक्रिय थे, बच्चे एक अज्ञात नंबर से एक दिन घर पर मिस्ड कॉल आई थी जो हमारे लिए सुराग बनी और हमने लुधियाने से बच्चे की बरामदगी करी। बातचीत करके उसको बच्चे को बुलवाया संपर्क करके, इसमें हमारी टीमों ने लगातार सक्रिय रहते हुए बहुत मेहनत करी और इसमें हमें सफलता मिली। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा गुरुवर्ग था, ऐसे में जो पुलिस टीम इसमें लगी थी लगातार खुलासा कर रही थी उसको किस तरह। निश्चित रूप से जब बीच में वीडियो माँ का करुणार्द्र वीडियो आया था उस संदर्भ में हम भी बहुत अधिक चिंतित थे और जिस दिन से घटना घटी थी मैं प्रतिदिन इस संदर्भ में अपने थाने से इसकी प्रगति की जानकारी कर रहा था। मेरी टीम ने मेहनत की, उनको मैं 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार उत्साहवर्धन के लिए दूंगा।